नमस्कार। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में लेखक ने बाढ़ का वर्णन किया है। लेखक बिहार की राजधानी पटना में रहता है। उसका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा के बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। परती यानी बंजर भूमि पर गाय, बैल, भैंस तथा बकरों के झुंड को देखकर लोग बाढ़ की भयंकरता का अनुमान लगा लेते हैं। लेखक को तैरना नहीं आता, वह बाढ़ पर कई लेख लिख चुका है। लेखक ने विभिन्न वर्षों में आई बाढ़ों का वर्णन करते हुए बताया कि सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई। तब उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में भर गया था। तब लोगों ने आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली थी तथा बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे थे। इसी बीच कभी राजभवन तो कभी मुख्यमंत्री निवास के बाढ़ में डूबने के समाचार आते रहे। कॉफ़ी हाउस भी पानी में डूब चुका था। लेखक अपने एक अंतरंग मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिए निकलता है। उस समय दूसरे लोग भी बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे थे। सभी लोगों के यह जानने की जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है और कहाँ तक आने की संभावना है। लेखक भी पहले तो लौटने का विचार कर रहा था, किंतु तभी उसने कुछ और आगे जाने का मन बना लिया। वह रिक्शा में बैठकर गांधी मैदान की ओर चल देता है। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे खड़े हजारों लोग पानी को देख रहे होते हैं। संध्या हो चुकी थी। बहुत से लोग पान की दुकान के सामने खड़े होकर समाचार सुन रहे थे। पानी स्टूडियो तक आ चुका था। समाचार दिल दहलाने वाला था, किंतु लोग कुछ ज़्यादा परेशान नहीं थे। वे अन्य दिनों की भांति ही हंस खेल रहे थे। उस पान वाले की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से भयभीत दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे ही चेहरे दुखी लग रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार पटना भी पूरी तरह से डूब जाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। वे ताश खेलने के लिए बैठना चाहते थे। तभी उनके मन में विचार आया कि इनकम टैक्स वालों को इसी समय छापा मारना चाहिए, उन्हें बहुत सा माल एक ही स्थान पर मिल जाएगा। लेखक अपने मकान पर पहुंचा ही था कि उसी समय लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी उनके मोहल्ले में आ पहुँची। वह घोषणा कर रही थी, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, अतः आप लोग सावधान रहें। लेखक घर में गैस की स्थिति का पता लगाता है। वह फिर सोने की कोशिश करता है पर नींद नहीं आती है और वह उठ जाता है। कुछ लिखना चाहता है तो उसके मन में अनेक पुरानी यादें आने लगती हैं। लेखक याद करता हुआ लिखता है कि 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस क्षेत्र में गया था। उनकी हिदायत थी कि हर नाव पर दवा, माचिस और किरासिन तेल अवश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार सन 1949 में लेखक महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में लोगों की सहायता के लिए पहुंचा। वे नाव पर चढ़ाकर बीमारी को कैंप तक ले जाना चाहते थे। एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया, किंतु दूसरे लोगों द्वारा एतराज करने पर वह व्यक्ति अपने कुत्ते समेत नाव से नीचे कूद गया था। लेखक सहायता के लिए कुछ और आगे गया तो पता चला कि वहाँ कई लोग कई दिनों से मछली व चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं। जब ये लोग एक टोले के पास पहुँचे तो पता चला कि ऊंची सी जगह पर मंच बनाकर बलवाही लोग नाटक कर रहे हैं। लाल साड़ी पहने काला कलूटा नटुआ दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था। वहाँ बैठे लोगों के चेहरे पर जरा भी बाढ़ का भय नहीं था। इसी प्रकार सन 1967 की बाढ़ में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर चाय बन रही थी। एक युवती अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो बना रही थी।
दूसरी लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक उस युवती के सामने घुटनों पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। ट्रांजिस्टर पर कोई फिल्मी गाना बज रहा था। लेखक रात के 2:30 बजे तक जागता रहा, किंतु तब तक बाढ़ का पानी नहीं आया था। सभी लोग जागते रहे। उस समय लेखक के मन में अपने मित्रों के प्रति चिंता हुई कि ना जाने किस हाल में होंगे। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। वह फिर लिखने बैठ गया, पर इस समय वह क्या लिखे। 5 बजे लेखक फिर आवाज़ सुनता है कि पानी आ रहा है और वह दौड़कर छत पर जाता है। उसने देखा कि चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पानी की लहरों का नृत्य भी दिखाई दे रहा था। पानी तेज गति से सब कुछ अपने साथ समेटता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेखक बाढ़ को तो बचपन से देखता हुआ आ रहा था, किंतु पानी इस तरह आता उसने कभी नहीं देखा था।